अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा और अब समझ चुके होंगे कि मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप जाता हूं अपने वाया फास्ट सेट के डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो उस वीडियो में दिखाया गया था। यहां से मैं ट्रैफिक जो है वो बेच चुका हूं अपने वेबसाइट पे और सारा जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं और मेरी कितनी अर्निंग हुई है इस वेबसाइट से। ठीक है, सारा प्रूफ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम चेक करें तो इस वेबसाइट के कुछ ड्रॉबैक्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम जाते हैं अपने ठीक है, यहाँ पे मैं पीटीसी पे जाता हूँ। पीटीसी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने जो है वो टोकन्स शो हो जाएंगे। उन टोकन्स को आप लोगों ने व्यू करना होता है और उसके व्यू के बदले आपको जो है वो बीटीसी मिलती है। यहाँ पर ये एक ऑफर वाल मेरे पास आया है, एजी क्रिप्टो ट्रेडिंग 160 टोकन ये देंगे मुझे अगर मैं उसको 60 सेकेंड जो है वो व्यू करता हूँ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको व्यू नहीं करता, मैं कम टाइम वाला देता हूँ, देखता हूँ 15 आवर 24 आवर। ठीक है, ये आवर्स में दिखा रहे हैं, ये 15 सेकंड दिखा रहा है। अगर मैं 15 सेकंड इसको देखूं तो मुझे ये 50 टोकन देते। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, व्यू करता हूं और उसको व्यू करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि टोकन मेरे अकाउंट में जो है वो ऐड होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से तकरीबन यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको सिर्फ और सिर्फ आपने 15 सेकंड के लिए छोड़ना है और 15 सेकंड के बाद आप लोगों ने जो है वो इस ऐड को आप लोगों ने स्किप करना होता है। तो यहाँ पर मैं इस ऐड को जो है वो अभी बैक करता हूँ क्योंकि आई थिंक जो है वो टाइम पूरा हो गया। और यहाँ पर आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक, इस वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मेरे 50 टोकन जो हैं वो मेरे ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। अब अगर मैं 3 लाइंस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद मैं एडवर्टाइज पे क्लिक करता हूँ, ये एडवर्टाइज का जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं पीटीसी कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। पीटीसी कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने डालना होता है अपने जिस अगर आप डायरेक्ट लिंक पर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं या आपकी वेबसाइट उस पर आप ट्रैफिक लेना चाहते हैं, यहाँ पर उसके लिए अपने टाइटल सेलेक्ट करना है, फिर आपने यूआरएल डालना है और डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी होती है। यहाँ पर ड्यूरेशन आप ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन आपने अपने एड्स को जो है वो वॉच करना है लोगों से। तो यहाँ पर अगर मैं 15 सेकंड यहाँ पर देखता हूँ तो ये 70 टोकन्स काटता है। एक ड्रॉबैक तो ये है कि यहाँ पर 70 टोकन ये काटता है और वहाँ पर हमें 15 सेकंड का जो है वो 50 टोकन मिल रहे थे। विंडो टाइप इसी तरह से आपने छोड़ना है। टोटल व्यूज़ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं जो है वो आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया है और इसका मुझे जो है वो क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ अपने एडस्टेरा अकाउंट पर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपना एडस्टेरा अकाउंट दिखाता हूँ जिस पर मैंने ये अप्लाई किया था और मुझे कितनी अर्निंग हुई है कितने व्यूज़ के बदले। तो मैं अपने एडस्टेरा अकाउंट में जो है वो लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्टेटिस्टिक पे जाता हूँ। स्टेटिस्टिक पे जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ और उसके बदले जो है वो आपको अर्निंग भी दिखाता हूँ कि मेरी अर्निंग जो है वो कितनी हो गई है। तो जैसे ही मैं स्टेटिस्टिक पे यहाँ पे आ गया तो मैं यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करता हूँ। ये वो ट्रैफिक है जो मैं इसी वेबसाइट से अपने वो जो है अपने इस अकाउंट पे बेच चुका हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इम्प्रेशन 48 आया है, 48, 150 और 199 तकरीबन, ये मेरे ख़्याल से 400-500 का ट्रैफिक आया हुआ है। क्लिक्स आप देख सकते हैं, क्लिक्स भी ज़ीरो आए हैं, CTR भी ज़ीरो है, CPM भी ज़ीरो है और रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुई है वो भी ज़ीरो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इतने ट्रैफिक के ऊपर। कम से कम 0.02, 0.03 या 0.5 का रेवेन्यू अगर जनरेट होता तो फिर भी हम ये मान लेते कि ये जो तरीका है ये वर्किंग है, वर्किंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं आप लोगों को दोबारा अपने अर्निंग दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पर मेरी अर्निंग जो है वो भी अभी ज़ीरो की ज़ीरो ही है अर्निंग। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि ये वेबसाइट जो
आप ट्रेफिक आर्बिट्राज करते हैं तो ये आप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप करते भी हैं तो इससे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा चुका हूँ, व्यूज़ भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और अगर आप लोग एडस्टेरा से जो है रियल अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।